आज एंटरटेनिंग एट होम सिंपली स्टाइलिश। जी हाँ, ये इस किताब में से मैं रेसिपीज बनाने वाला हूँ। वैसे तो नॉर्मली क्या मैं करता हूँ कि खाना खजाना में रेसिपीज नई नई बनाता हूँ और फिर उसके बाद में बुक के अंदर वो रेसिपीज जाती हैं, लेकिन ये मैं आज ऐसा कर रहा हूँ कि ये नई किताब में से आपके लिए रेसिपीज बना रहा हूँ। सिंपली स्टाइलिश रेसिपीज, ग्रिल्ड कॉर्न एंड कैप्सिकम टोस्टीज। चलिए बनाते हैं ये रेसिपी सिंपली स्टाइलिश। इसके लिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हैं और कुछ और आ जाएंगी। तो ये कैप्सिकम की बात हुई है तो ग्रिल्ड कॉर्न कैप्सिकम, जो कैप्सिकम है उसे मुझे छोटा छोटा काटना है। इसके साथ साथ ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च। अब ये जो है ब्रेड, इसको मैं रख देता हूँ ओवन के अंदर। आप चाहें तो इसे लेकर तवे पे टोस्ट कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब ओवन क्योंकि प्री हीट हो ही रहा है तो इतनी देर में ये गर्म हो जाएगा। तो ये कैप्सिकम, हरी मिर्च और इसके साथ साथ ये कॉर्न कर्नल। तो ये कॉर्न और उसके साथ साथ इसमें डालते हैं चीज, ये लीजिए, और इसमें नमक और पेपर। चलिए पेपर इसके अंदर, क्रश्ड पेपर। ये सारी चीजें क्रिस्प कैसे होंगी पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्रिस्प कैसे होंगे। जो ब्रेड है उसे तो हल्का सा हम टोस्ट कर ही रहे हैं, तो ये हमने ले लिया। और ब्रेड का हाल क्या है, ये ब्रेड के स्लाइसेस, ये हो गए तैयार। और अब ये लेकर हाथ से ये आसानी से होगा, ये लीजिए। अच्छा, खाना बनाते समय अगर आप हाथ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ एकदम अच्छी तरह से साफ करके, नहीं तो ग्लव्स पहन के भी आप कर सकते हैं। ये लीजिए, सबको बराबर फैला देना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसके अंदर कॉर्न भी काफ़ी दिख रहा है, चीज़ भी है, कैप्सिकम भी है, हरी मिर्च भी है, और जो ब्रेड है उसे हमने टोस्ट किया हुआ है। तो अब इसको ले लेते हैं हम। चलिए ये तैयार, अब इसको ओवन में रख देते हैं, लेकिन प्लेट में से निकालने के बाद। ये इसलिए क्योंकि अगर प्लेट में रखेंगे तो ये क्रिस्प उतना नहीं होंगे। और इसको पकने देते हैं, और जैसे ही चीज़ हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो, क्रिस्प हो जाएंगे, ग्रिल हो जाएंगी जितनी चीज़ें हैं, कैप्सिकम वगैरह, फिर इसको निकालें। लंबा काटें, तिरछा काटें, ना काटें, कैसे भी करें, बस गर्मा गर्म खाएं, आप भी खाएं, सबको खिलाएं। सिंपली स्टाइलिश। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 8 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के, 1 कप मकई के दाने उबले हुए, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1.5 कप चीज ग्रेट किया हुआ और 8 काली मिर्चें कुटी हुई। इसे बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस को ओवन में टोस्ट कर लें। 1 बोल के अंदर शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मकई के दाने, चीज और कुटी काली मिर्चें डालकर मिलाएं और इस मिक्सचर को टोस्ट किए हुए ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डालकर फैलाएं और एक बार फिर इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर चीज पिघलने तक टोस्ट करें और काटकर सर्व करें।